सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपने खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उसे बेहतरीन जवाब देगा, क्योंकि सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है बल्कि यह वह ताकत है जो सभी में नहीं होती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उसके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। एक छोटी सी दुआ, जिन लम्हों में आप खुश हो वो कभी खत्म ना हो। आज का पंचांग 21 मई 2022 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 2:59 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 11:46 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:05 से 10:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। वृषक राशि 21 मई 2022 दिन शनिवार, आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज के दिन अपने काम के बारीकियों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हैं। आप इन नीरस रूटीन कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दे तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे। परिवार में आपसे संबंधों के बीच चल रही कोई गलतफहमी दूर होगी और साथ ही कोई लाभदायक सूचना मिलने से मन प्रसन्न। अगर किसी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करने की कोई योजना बन रही है तो तुरंत उस पर अमल करें। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है। परिवार के लोगों के साथ मिलकर पिकनिक या शुभ काम की योजना बनाई जा सकती है। अपने परिवार के आनंद पर आपका ध्यान रहेगा। सामाजिक कार्य का हिस्सा बनने की वजह से नए लोगों के साथ परिचय हो सकता है। लोगों के साथ मेल जोल बनाए रखें। काम से संबंधित बड़े टारगेट पूरे करने की वजह से आर्थिक समस्या दूर होती हुई नजर आ रही है। पार्टनर और मित्रों के साथ बिताया समय आनंद देगा और एक दूसरे के करीब आने के लिए यह समय उपयुक्त होगा। मद्यपान या कैफीन जैसे पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करें। सावधानियां, सकारात्मक कोशिश करने से आपसी संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में आज कोई भी कार्यवाही ना करें। बातें वर्तमान पर हावी ना हो। बात करते हैं लव लाइफ की। घर की व्यवस्था बेहतरीन बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की अवसर भी बनेंगे। अगर आपको अपने तरीके और अपने पार्टनर के तरीके में से एक को चुनना पड़े तो आपके सामने एक मुश्किल स्थिति आ जाएगी, लेकिन शांति बनाए रखें और किसी भी मुद्दे को लेकर अपने पार्टनर से नकारात्मक तरीके से सवाल ना करें। जितना प्यार वो आपसे करते हैं उसे लौटाने की कोशिश करें और किसी और के कहे अनुसार चलने की बजाय उस मुश्किल समय की याद उन्हें दिलाएं जो आपने एक साथ काटा था। बात करते हैं करियर की। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है। वो सब पा सकते हैं जो आपने अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य ही रहेगी, परंतु अभी ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद ना रखें। शेयर तथा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशे लोगों को अपने उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर बनाकर रखने की भी जरूरत है। बात करती हैं सेहत की। थकान और तनाव की वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन रह सकता है। ध्यान और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपके लिए अब स्वास्थ्य संबंधित मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने मन को अपने लिए सर्वोत्तम फिटनेस कार्यक्रम निश्चित करने दें। आपके पास अपने सभी
मनपसंद व्यंजन खाने के कई मौके आएंगे, लेकिन आप अपने खाने को लेकर काफी सावधान रहें, नहीं तो खाने का आनंद लेने के स्थान पर आप पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफों को भी न्योता दे सकते हैं। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।